अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये बीफ कीमा आलू रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आलू कीमे के मज़े ले सकें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए। यहाँ पे ये देखिए हमने लिया है कीमा। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, सबसे पहले हमने लेना है प्रेशर कुकर और उसके बाद हमने कीमा लिया है। कीमा डालेंगे हम, कीमा है तकरीबन 1/2 kg। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, चला गया हमारा 1/2 kg कीमा। और 1 से 1.5 चम्मच है खाने का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। बर्तन को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का 1 प्याज लिया है जिसे हमने ब्रीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और ये हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है 1 अदद, ये ऐड कर देंगे क्यूब्स में काटा हुआ ये भी। और इसमें इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने ग्रीन चिलीज लिए है तकरीबन 2 से 3 अदद बारीक काटी हुई, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ खड़े हम मसाले ऐड करेंगे जो कुछ यूँ हैं, ये देखें 2 अदद हमने बाजी के फूल लिया है, 1 ये छोटे साइज़ में है, ये सॉरी ये तेज़पत्ता है 2 अदद, 1 बाजी का फूल लिया है छोटे, ये छोटा सा दालचीनी का स्टिक्स है, और 2 अदद ये हमने बड़े छोटे साइज़ में लिया है इलायची, बड़ी इलायची जो होती है वो, ठीक है। और 4 अदद हमने लिए हैं लौंग, ये ऐड कर देंगे के 1/2 चम्मच। हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ठीक है 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर चला गया। एक बार जो रेड चिली पाउडर होता है, सॉरी रेड चिली होता है क्रश किया हुआ, वो ऐड करेंगे। आपसे नमक, और नमक मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया है, ठीक है। ये तकरीबन 1 गिलास पानी चला गया। और सभी चीज़ों को यहाँ पर हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ताकि सभी चीज़ें और जो हमने स्पाइसेस मसाले ऐड किए हैं सभी एक जैसी हो जाएं सभी साइडों से, ठीक है। ये प्रेशर को हम लगाएंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। सीटी बोलने के बाद ही हम इसका टाइम नोट करना स्टार्ट करेंगे। तो चूल्हा हमने नीचे ऑन कर दिया है और इसका हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 8 से 9 मिनट। और यहाँ पे 9 से 10 मिनट हो गए हमने प्रेशर के लगाए हुए, तो अब हम चेक कर लेंगे इसको खोल के। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कीमा बड़ा अच्छी तरह से गल गया है, ये देखिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे ये जो हमने कीमा उबाइल किया है, ये जो इसका पानी में थोड़ी सी यखनी बनी हुई कीमे की, ये भी और कीमा भी एक साथ कढ़ाई में डाल। तो यहाँ पे ये देखिए हमने कीमा जो यखनी समेत थी वो हमने उबाइल किया था, ये यखनी भी इसकी और कीमा भी हमने कढ़ाई में उलटा लिया। अब हम इसका पानी ड्राई होने तक इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे कीमे का जो पानी है मुकम्मल ड्राई हो गया है जो हमने यखनी डाली थी। तो बस इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, ये हम पत्ता निकाल देंगे तेज़पत्ता, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अब
अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी के साथ इसकी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन हाफ कप हम इसमें घी डाल देंगे। और इसकी अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ये पटाटो बॉईल किए थे। ये बॉईल किए हुए पटाटो हैं, मतलब कि आलू हैं एक पाव के करीब होंगे। ये हमने बॉईल कर लिए थे, ये भी ऐड कर देंगे इसी के साथ, ताकि इसकी भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए और जो हमारे मसाले हमने ऐड किए वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएँ, ताकि जो हमारे पटाटो हैं वो भी मज़ेदार से हो जाए। तो अब हम पटाटो की और कीमे की घी में फ्राई मतलब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कीमे को तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। तो अब हम इसमें ये ऐड करेंगे, ये ब्लैक पेपर है मतलब कि काली मिर्च हाफ चम्मच, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, और इसमें हाफ चम्मच से कम थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस मसाले के साथ भी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जो कीमा है तमाम ऑयल छोड़ दे, मतलब तमाम जो ऑयल है निकल कर बाहर आ जाए। तब तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर रखें, तमाम कीमा निकल कर बाहर आ गया है, तो हमारे कीमे की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तो यहाँ पर बस हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ये धनिया पत्ती, और 2 से 3 अदर हमने ग्रीन चिली लिए हैं, उसे इस तरह से हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, मतलब काट लिए। तो ये ऐड कर देंगे और कीमा हमारा बन के रेडी है सर्व करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि अब आपके जो फैमिली मेम्बर्स के हैं और आपके दोस्त भी कीमे के मज़े ले सकें। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ।